आज हमारे देश के लिए खुशी की बात है कि जिस प्रोजेक्ट की तैयारी पिछले 1.5-2 सालों से की जा रही है, फाइनली वो प्रोजेक्ट अब 25 अप्रैल 2023 को शुरू कर दिया जाएगा। मेन बात यह है कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत एक विदेशी कंपनी भारत में कर रही है और आने वाले भविष्य में ये कंपनी अपनी मोनोपोली देश के ईवी सेक्टर में ना कर पाए, जिसकी तैयारी ऑलरेडी टाटा ने कर रखी है। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए सामने लेकर के आए हैं। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारी चीजें आप खुद समझ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं भारत के ईवी सेक्टर में इस्तेमाल की जाने वाली स्वैपिंग बैटरी सिस्टम के बारे में। आज से करीबन 1 साल पहले ताइवान कंपनी गोगोरो ने भारत में इसकी शुरुआत की थी और तब से लेकर के अब तक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम किया गया है। अगर हम आसान भाषा में बात करें स्वैप बैटरी सिस्टम क्या है, तो जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक स्टेशन पर बहुत सारी बैटरीज को एक बड़े ईवी चार्जर के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है और वैसे ही सेम बैटरीज आपके ईवी स्कूटर्स और अलग अलग व्हीकल्स में इंस्टॉल होती है। ऐसे बड़े चार्जिंग स्टेशन को कुछ डिस्टेंस पर इंस्टॉल किया जाता है और जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी ईवी बैटरी डाउन हो रही है, आप जाकर के अपने व्हीकल से बैटरी को स्वैप करके स्टेशन में पुट करते हैं, स्टेशन से एक कंप्लीट चार्ज बैटरी को अपने व्हीकल के अंदर पुट कर लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस में मुश्किल से 1 मिनट का वक्त लगता है और इतने वक्त में आपकी ईवी कम्प्लीटली 100% चार्ज हो जाती है। जहां पर गोगुरु ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 25 अप्रैल 2023 से भारत के अंदर स्वैपिंग बैटरी ऑपरेशंस को चालू कर दिया जाएगा। सबसे पहले गोगुरु की ये फैसिलिटी गुरुग्राम में शुरू की जाएगी, जहां पर कंपनी गो स्टेशन के नाम से अपनी इस नई फैसिलिटी को सेटअप कर चुकी है। कंपनी ने अपने स्वैप बैटरी ऑपरेशंस को करने के लिए जिप इलेक्ट्रिक के साथ में ऑलरेडी पार्टनरशिप कर रखी है और ऑलरेडी कंपनी पूरे देश के अंदर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में लगी हुई है। कंपनी करीबन $2.5 बिलियन की लागत से अपने इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रही है, ताकि देश के अंदर ना सिर्फ वो अपनी बैटरीज को सप्लाई कंटिन्यू कर पाए बल्कि अपने आने वाले कई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को भी लॉन्च कर पाए। अभी तो गोगुरु ने वर्ल्ड वाइड करीबन 450 मिलियन बैटरी स्वैप्स को कंप्लीट कर लिया है और जिस स्केल से भारत के अंदर ईवी सेक्टर ग्रोथ पकड़ रहा है, कंपनी अपने हाथ से ये मौका बिल्कुल जाने नहीं देगी। और जैसा कि हमने बताया, कंपनी ने प्लान कर रखी है कि वो अपनी सेकंड सीरीज के इलेक्ट्रिक टू स्कूटर्स को भारतीय मार्केट में लॉन्च करेंगे, जिसमें 7.2 किलोवाट के इलेक्ट्रिक मोटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें से एक ही रेंज 85 किलोमीटर और दूसरी की 94 किलोमीटर रहेगी। इसके अलावा जोमेटो के साथ में भी कंपनी ने एक बड़ी पार्टनरशिप साइन कर रखी है, ताकि आने वाले फ्यूचर में जोमेटो अपने डिलीवरी बिजनेस को 100% ईवी पर स्विच कर पाए और कंपनी की मोनोपोली भारत के अंदर ना क्रिएट हो पाए, जहां ईवी सेक्टर में टाटा ने बड़ी महारत हासिल कर रखी है। अब तक पूरे देश में करीबन 25,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन को इंस्टॉल किया जा चुका है और देश के अंदर जितने भी फोर व्हीलर ईवी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसमें से मेजोरिटी सप्लाई टाटा की तरफ से की गई है। भारत में टाटा जैसी बिल्ड क्वालिटी सभी कंपनियों के देने के बस की बात नहीं है और टाटा ने अपनी इसी तैयारी को मजबूत करते हुए रिसेंटली अनाउंस किया है कि टाटा पावर कोयम्बटूर में 20 नए और ईवी चार्जिंग स्टेशन को लॉन्च करने जा रही है। टाटा की तरफ से इंस्टॉल किए जाने वाले चार्जिंग स्टेशन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन होंगे, जिसके बाद तमिलनाडु में स्पेशली टाटा की तरफ से इंस्टॉल किए गए 116 चार्जिंग स्टेशन हो जाएंगे। इसके अलावा कई और कंपनीज ने अपने ईवी स्टेशन को लॉन्च कर रखा है और ऐसे धीरे धीरे करके टाटा पूरे देश के अंदर ईवी नेटवर्क को और तेजी से स्केल कर रही है। टाटा का टारगेट है कुछ ही समय में 1 लाख की संख्या को अचीव कर लिया जाए, जिसमें बड़े हाईवेज भी इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा इंडियन ऑयल एंड बीपीसीएल जैसे बड़े प्लेयर्स ने ऑलरेडी ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है, ताकि जितने भी उनके पेट्रोल पंप है वहाँ एक ईवी स्टेशन की अवेलेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से भारत का ईवी सेक्टर काम कर रहा है, जहाँ पर टाटा ने ऑलरेडी किसी विदेशी कंपनी को भारत पर हावी न होने की तैयारी कर रखी है। आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में टाटा जरूर लिखेगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।